नाम किफ़ायत अली है और मैं वीओ चिराग बगरोट का चेयरमैन हूँ कि अलाका बगरोट गिलगित बल्तिस्तान के करीब तरीन और ख़ूबसूरत वादियों में से एक वादी है। अलाका बगरोट के बुनियादी तौर पर 6 गांव हैं और तकरीबन कोई 1500-1600 घराने इसमें आबाद हैं। मैं शहादत नूर, चेयरमैन दुबानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बगरोट FCDO और WWF का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वादी बगरोट में 18 प्रोजेक्ट किए और इन 18 प्रोजेक्ट्स में से एक जो प्रोजेक्ट था वो गोरचे नाले की सफाई था। गोरचे नाला बहुत ही ख़तरनाक नाला है, इसमें हर साल उसमें फ्लड आता था। ये पहले से ऊपर से मिट्टी आके, रेत आके, पत्थर आके ये भर गया था और बिल्कुल गांव की वो नाला बिल्कुल इसकी सतह ऊपर तक पहुंच गई थी। 5 अगस्त 2024 को रात को 8-9 बजे एक बहुत हैवी फ्लड आया और वो फ्लड बग़ैर कोई नुकसान दिए उसी नाले से गुज़र गया। खुदा ना खास्ता अगर उस नाले की सफाई ना होती तो गांव के 120 घराने मुकम्मल तबाह हो जाते। न सिर्फ गांव वाले घर बल्कि हमारी ज़मीनें, हमारी लाइव स्टॉक भी तबाह हो जाती। हमारे पास प्रोजेक्ट्स और हमारे यहाँ सेटअप हुए हैं। एक है हमारे पास ड्राइंग यूनिट है, तो तमाम हमारी ख्वातीन जो है उसके अंदर अपनी खोबानी और सब्ज़ियाँ वगैरह सुखा रही हैं। रोटी पकी जताना पसाल आगे फटाग जे कागे फैलिए तो करे अड़ो करे उदू ये गबे यानी फटो ये जायद है कि नहीं जायद है तो नन टनल बुई अदान रे फैलिए सो से अड़ो जुगा बचत भी उदू जुगा बचत बे यानी सफा बे भी। हमारे पास इस एरिया में बगरोट के अंदर ग्लेशियर की काफ़ी तादाद हमारे पास ग्लेशियर की मौजूद है, तो ये वार्मिंग की वजह से हमारे इस एरिया में तकरीबन ग्लेशियर जो हैं वो काफ़ी हद तक पिघल रहे हैं। तो हम जब छोटे थे उस वक्त उस ग्लेशियर के ऊपर से हमारा रास्ता बना हुआ होता था आगे गांव तक जाने के लिए। ये सारा जो है वार्मिंग की वजह से मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है, तो हम WWF के साथ मिलकर इन चीज़ों पर भी और फॉरेस्ट के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में उनके साथ काम करके इस आबादी को बल्कि पूरी दुनिया को भी यहाँ से हमें कोई अच्छा पैगाम देने की कोशिश करेंगे। हम एक दफ़ा फिर FCDO और WWF का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बगरोट में डेवलपमेंट प्लस आवाम के मुफाद के लिए बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट किए और एक बेहतरीन रोल दूसरे अदारों के लिए भी उन्होंने छोड़ा है।